हांडी टू प्लेट में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। बहुत उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है इडली और इंस्टेंट चटनी की। तो देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। इसको दो तरीके से हम बनाएंगे, कढ़ाई में भी बनाएंगे और प्रेशर कुकर में भी बनाएंगे। और ये नारियल की चटनी जो है इंस्टेंट बनाएंगे हम, कोई झंझट नहीं है नारियल तोड़ने का, निकालने का, और टेस्ट बिल्कुल उसी तरह का होता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हम बैटर बना के रखते हैं पहले इडली का। इसमें हम लेंगे सूजी 2 कप, जो कि वज़न में 300 ग्राम है, और ये दही है 2 कप, जो कि वज़न में 400 ml है। तो इसको फेंट करके हम थोड़ा सा और अपने सूजी में डाल देते हैं। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे। तो 200 ml का हमारा ये कप है, उससे हमने आधा कप डाला, यानी कि 100 ml हमने डाला है इसमें पानी। और इसको अब हम ढक करके 20 मिनट के लिए रखेंगे और चटनी बना लेते हैं। 1 कप ये नारियल है सूखा वाला, पाउडर नारियल, और चना है भुना हुआ ये 2 टेबल स्पून, 2 हरी मिर्च है, अदरक का टुकड़ा है 1/2 इंच, और 5 क्लोव लहसुन है, और 12 से 15 हम करी लीव्स लेंगे। एक डंडी ले लीजिए। और सब चीज़ों को हम डालेंगे इसमें, सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम पीस लेंगे चटनी की तरह। ये देखिए, हमारी चटनी बिल्कुल टेस्टी वाली तैयार हो गई है। एकदम हरे नारियल का जैसे बनती है चटनी, उसी तरह की चटनी बनेगी ये। इसको हम छौंक लगा लेते हैं। 1/2 टीस्पून राई है और ये करी पत्ता है 8 से 10, इसको तोड़ लिया है हमने। हम 1 टीस्पून ऑयल गरम करेंगे और इसमें डालेंगे अपना राई, और इसको चटकने के बाद हम डाल देंगे करी पत्ता, और थोड़ा सा रोस्ट करके इसको हम डाल देंगे अपनी चटनी के ऊपर। हमारा इंस्टेंट चटनी जो है तैयार है। अब अपने इडली को का बैटर को देख लेते हैं हम। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। मोल्ड में हम लगा लेंगे अपना ऑयल। तो हम 2 स्टैंड को ग्रीस कर रहे हैं, 2 जगह बनाना है हमें, और कढ़ाई है ये। इसमें हमने डाला पानी और एक जाली डाल करके इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे पानी को। और ये देखिए, हमारा जो बैटर है हो गया है तैयार। थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो इसमें 1 टेबल स्पून हमने और डाला पानी। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी है आपके बैटर की, तो आप पानी ना डालें। अगर सूखा है तो थोड़ा सा डाल लीजिए। और 1 टीस्पून हम इनो सॉल्ट डालेंगे इसमें, जो नॉर्मल इनो आता है वही डालेंगे, और इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और अपने ग्रीस किए हुए मोल्ड में इसको डाल लेते हैं। मोल्ड में पूरा भर के नहीं डालेंगे, थोड़ा कम ही डालेंगे कि ये उसमें फिर स्टीम होकर के बड़ा हो जाता है। और प्रेशर कुकर में भी हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और जिधर इडली है उस साइड हम बिना इडली वाला रखेंगे कि आपस में चिपके नहीं। जो मोल्ड है उसको आप जिधर इडली है उधर बिना इडली वाला साइड रखिए। और ये प्रेशर कुकर का भी गर्म हो गया है हमारा, हम इसमें भी डाल देते हैं। और 10 से 12 मिनट में ये इडली हमारी तैयार हो जाएगी। तो कुकर का हम विसल जो है सीटी निकाल देंगे और ढक्कन लगा देते हैं। तो दोनों ही हमारा 12 से 15 मिनट में तैयार हो गया है। ये देखिए, चाकू डाल करके हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल क्लीन आ जाता है। तो हमारी इडली जो है तैयार है। इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे इसी के ऊपर, गैस को ऑफ करके, और उसके बाद इसको निकाल के हम डीमोल्ड करेंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी तैयार है। दोनों को ही 12 से 15 मिनट लगा है। फ्लेम जो है मीडियम ही रखिएगा, उसको स्लो नहीं करना है। तो ये प्रेशर कुकर का है और एक कढ़ाई का है। तो इसको अब हम सर्व कर देते हैं निकाल करके। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। इसका शेप देखिए और इसकी जाली देखिए, ये सॉफ्ट है, बिल्कुल स्पंजी है।
तो इस तरह से रवा इडली आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए हमारे इंस्टेंट चटनी के साथ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट ज़रूर कीजिएगा जिससे रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग खुश रहें, अमन और आफ़ियत के साथ रहें, यही दुआ है मेरी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।